हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम सिमेंटिक एनालॉगी वाला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आपको पता है हम JKSSB VLW की क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, इसमें कई सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रीजनिंग की अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ पर जाके पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिमेंटिक एनालॉगी की तरह एक टॉपिक और था सिमेंटिक सीरीज़, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। जब उसका एनालॉगी वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, एक बार मैं यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ इमेज को, ऐसे थोड़ा सही नहीं दिख रहा है इसको। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। यहाँ पे सिमेंटिक एनालॉगी की बात करेंगे। यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल आपका एनालॉगी वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पर उसी टॉपिक से क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ड एनालॉगी आता है, लेटर एनालॉगी वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में एक टॉपिक और मेंशन करा गया है, नंबर एनालॉगी या सिंबल एनालॉगी, वो हम अलग से कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ सिमेंटिक एनालॉगी में जो वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी वगैरह आता है, हम वो सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। 40+ एग्जांपल्स आपके सामने आने जा रही हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर देखो कहा गया है एक्टिंग का रिलेशनशिप थिएटर से है, तो आपको बताना है कि गैम्बलिंग का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम होगा जहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन आता है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। लाइट एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आप रुक जाते हो, वो GK की वजह से, अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एक्टिंग का रिलेशनशिप थिएटर से दिया गया है, तो बताइए गैम्बलिंग का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। एक्टिंग आप जनरल थिएटर में परफॉर्म करते हो, गैम्बलिंग कहाँ करी जाती है, कसिनो में करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, और आज हम 45 के करीब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से एटलीस्ट 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं या पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछे गए बॉटनी की बात करेंगे, बॉटनी का रिलेशनशिप दिए हुए प्लांट से, आपको बताना है एंटोमोलॉजी का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। देखो इतना तो आपको पता है बॉटनी क्या है, एक तरह से कह सकते हो प्लांट्स की स्टडी है उसको बॉटनी कहा जाता है, प्लांट्स की स्टडी को ये कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, तो आपको पता होगा इंसेक्ट्स की बात करेंगे, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगर हम जैसे स्नेक्स की बात करेंगे, ये रेप्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं ऐसे, तो इनकी स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, या स्पेशली स्पेसिफिकली बात करें तो सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। बर्ड्स की स्टडी की बात करेंगे, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है ना, तो आपको वो भी पता होगा। और अगर हम जर्म्स की बात करेंगे, बेसिकली उनको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम कवर करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक्स पता होना चाहिए किस किस स्टडी को क्या कहते हैं, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कवर कर पाओगे, वरना यहाँ पर रुक जाओगे, जितना मर्जी दिमाग लगा लोगे कुछ नहीं होने वाला। तो GK यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया कैटल है, कैटल का रिलेशनशिप हर्ड के साथ दिया हुआ है, शिप का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। अब देखो ये इसके ग्रुप को ये कहा जाता है, तो शिप की बात करेंगे, इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, आपसे वो पूछा गया, तो शिप के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे स्वाम है, ये किसके ग्रुप को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये स्वाम जो है किसके ग्रुप को कहा जाता है। ये अगर हम बात करेंगे बी होता है जो मक्खी वगैरह, मधुमक्खी वगैरह, उसके ग्रुप को कहा जाता है। शोल आपको पता है फिश के ग्रुप को कहा जाता है। और मॉब की बात करें, इंसानों का क्राउड भी हो सकता है, और दूसरी तरफ ये बात करें कंगारू के क्राउड को भी मॉब कहा जाता है। रोबस्ट का रिलेशनशिप वीक के साथ है, तो क्योस का रिलेशनशिप के साथ हो जाएगा। रोबस्ट आपको पता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग का रिलेशनशिप वीक के साथ दिया हुआ है, मतलब एंटोनिम्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का रिलेशनशिप दिया हुआ वीक के साथ, मतलब एंटोनिम्स उल्टे मतलब बोले हुए हैं। क्योस, क्योस होता है डिस्टर्बेंस वगैरह होगी इस तरह से, तो उसका एंटोनिम्स का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, पीस, शांति। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने चलते जा रहे हैं, आप खुद भी आंसर देख सकते हो। अगर आपको टॉपिक पहले से आता है, आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो, क्वेश्चंस वेरीफाई कर सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पेन का रिलेशनशिप निब के साथ दिया हुआ है, आपको बताना है एरोप्लेन का रिलेशनशिप किस साथ हो जाएगा। देखो निब क्या है, ये पेन का एक पार्ट होता है, तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो एरोप्लेन का पार्ट होता है ना, तो फ्लाई, ऑटोमोबाइल, कॉकपिट जो है वो एरोप्लेन का ही पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पल्प का रिलेशनशिप पेपर से दिया हुआ है, तो किसका रिलेशनशिप रबड़ के साथ होगा। पल्प से पेपर बनता है, तो ऐसी क्या चीज़ जिससे रबड़ बनता है, तो लेटेक्स की बात करेंगे, इसे रबड़ बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते, 2-3 तरह के और बनते हैं। जैसे वर्ड लेटर एनालॉगी वगैरह की बात करेंगे, वो तो आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। एक नंबर एनालॉगी, सिंबल एनालॉगी, वो हम आने वाली वीडियोज में अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा एनालॉगी वाला। ये माइक्रोस्कोप का रिलेशनशिप मैग्नीफाई के साथ दिया हुआ है, तो आपको बताना टोंग्स का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा।
माइक्रोस्कोप देखो चीज़ों को मैग्नीफाई करने के, बड़ा करने के काम आता है। उसी तरीके से टोंग्स की बात करेंगे, टोंग्स जैसे चिमटा जैसे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, वो घरों में आप किचन में यूज़ करते हो किसके लिए, मतलब रोटी को पकड़ने के लिए, किसी को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हो ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका काम है मैग्नीफाई करना, इसका काम है होल्ड करना। हालांकि कुछ लोग तो मारते भी हैं इसे, तो अलग चीज़ वो अलग बात है, लेकिन हमें होल्ड की तरफ जाना पड़ेगा, वो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेसलिंग का रिलेशनशिप एरिना से है, तो किसका रिलेशनशिप कोर्ट से होगा? रेसलिंग का देखो प्लेइंग एरिया को आप एरिना कह सकते हो, जहाँ पे रेसलिंग करी जाती है, तो क्या ऐसी चीज़ को कोर्ट आप बोलोगे प्लेइंग एरिया, वो कहाँ पे करी जाती है, आपसे वो पूछा गया। टेनिस जो है वो कोर्ट में खेला जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप होता बॉक्सिंग का तो रिंग से रिलेशनशिप होता है, बॉक्सिंग तो रिंग में करी जाती है, एक्सरसाइज जिम में करी जाती है, हॉकी की बात करूँ फील्ड बोल सकते हैं ना, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। प्लेइंग एरिया किसका क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। आउल का रिलेशनशिप वो हुड से दिया हुआ है, तो गोट का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा? तो आपको पता होगा आउल की आवाज़ है वो किस तरह की आवाज़ निकालता है, तो गोट की आवाज़ जैसे म्यू कैट की है, ही सांप की है, तो ब्लीट किसकी आवाज़ है? गोट की तो होती है, तो पूछना कि कौन सा एनिमल क्या आवाज़ निकालता है, तो गोट की आवाज़ को ब्लीट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फ्रॉग्स की जो है, फ्रॉग्स का रिलेशनशिप टैडपोल से दिया हुआ है, तो शीप का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा? आप पता है फ्रॉग का जो मतलब बच्चा होगा, बेटा जो भी होगा, उसको टैडपोल कहा जाता है, तो शिप के यंग वन को हम क्या कहेंगे? ये यंग वन से जो टॉपिक रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फ्रॉग के यंग वन को, फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे? टैडपोल बोलेंगे। वैसे शिप के बच्चे को क्या कहा जाएगा? लैम्प कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपको बताना चाहूँगा ऑलरेडी JKSSB VLW की क्लासेस हमारी ऐप पर भी चल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है JKSSB VLW क्लासेस का, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ का एक ही प्लस पॉइंट है, वो ये है कि वहाँ पे सिलेबस जो है वो बड़ी जल्दी कवर हो रहा है, बस ये प्लस पॉइंट है। वहाँ पर ऑलरेडी कई सारी क्लासेस कवर हो चुकी हैं, कई सारी अपलोड भी होने वाली हैं, यूट्यूब पर भी सारा कवर करवाया जाएगा, बट यहाँ पर हम एग्ज़ाम कब होने जा रहा है उसके स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन अच्छे से कवर करेंगे। तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन में जल्दी कोर्स खत्म कर देंगे, अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हो ऐप में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फोरकास्ट की बात करें, इसका रिलेशनशिप फ्यूचर से दिया हुआ है, तो रिग्रेट का रिलेशनशिप किस साथ होगा? देखो जैसे बोलते हैं वेदर फोरकास्ट, मतलब वेदर की आप भविष्यवाणी करते हो ना, वेदर फोरकास्ट, मतलब फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर है ना, फोरकास्ट आप फ्यूचर के इवेंट्स का करते हो, तो रिग्रेट किससे रिलेटेड होगा? पास्ट में कुछ हुआ होगा उसी को लेकर रिग्रेट करते हो, दुख मनाते हो एक तरह से, है ना, तो पास्ट की इंसिडेंट के कारण आप रिग्रेट मनाते हो। जैसे फोरकास्ट आप फ्यूचर के लिए करते हो, है ना, वैसे इस तरह से रिग्रेट जो पास्ट के इवेंट्स के साथ होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सेल्स का रिलेशनशिप टिश्यूज़ के साथ दिया हुआ है, तो एटम्स का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? आपको पता है सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ड्रामा जो है वो किससे रिलेशन है उसका? सीन के साथ। तो बुक का रिलेशन किसके साथ होगा? ड्रामा में क्या है? सीन्स होते हैं। बुक में क्या होते हैं? मेन चैप्टर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अब बुक में अभी हमारा स्टोरी होती है, पेज होता है, जिस तरह से ड्रामा में सीन होता है उसी तरह से बुक में चैप्टर होता है, इस तरह से कवर करना है। DWH की जो कोडिंग है वो WDS से करी है, तो बताओ देखो यहाँ पे क्या, D का रिवर्स W होता है, W का रिवर्स D, H का रिवर्स H होता है, तो G का रिवर्स का जगह T, वैसे तो ऑप्शन है नहीं किसी में, और कोई फंडा यूज हुआ है। D और W था WD, यानी कि रिवर्स कर दिया। G और L था, L और G कर देना था, वो तो सब जगह देखने को मिल रहा है। H का रिवर्स S, C का रिवर्स तो X होता है, वो कहीं देखने को मिल नहीं रहा, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे गलत हो सकते हैं, LGX यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राइट का रिलेशनशिप जो है वो JSC SGF से दिया गया, तो बताना जॉइंट का रिलेशनशिप किस साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरीका बताओ अपना, अगर पहले भी पढ़ा हो तो ब्राइट है, जैसे BRIGHT है ना, ब्राइट का रिलेशनशिप दिया हुआ है JSC SGF के साथ दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना था? आपको बताना था कि यहाँ पर जॉइंट का रिलेशनशिप, पहले देखो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तीन ये हैं, तीन ये ग्रुप बांट लो, आपको देखने को मिल रहा होगा ये आई है ना, आई का एक स्टेप आगे जाओगे जे आ जाएगा, आर के एक स्टेप आगे जाओगे एस आ जाएगा, बी से एक आगे जाओगे सी आ जाएगा, मतलब प्लस करा जा रहा है रिवर्स ऑर्डर में, है ना, इस तरह से कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे JOI है, JOI है, उसको भी रिवर्स करना था, प्लस वन करना था, जैसे यहाँ पे आई में रिवर्स करा जे आ गया, आई में रिवर्स करोगे तो जे आ जाएगा, ओ का रिवर्स मतलब एक स्टेप आगे जाना है ना, ओ के एक स्टेप आगे जाओगे पी आ जाएगा, जे के आगे जाओगे के आ जाएगा, तो JP के से स्टार्ट हो रहा है, इन तीनों में से कोई ना कोई सही होगा। आगे चलते हैं, आगे का फॉलोअर था, अभी तो ये पता लगा इन तीनों में से सही होगा। आगे हमारे पास लास्ट में था GHT, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट में क्या था, GHT का रिलेशनशिप SGF से दिया हुआ है, समझ गए, मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ।
तो देखो यहाँ पर किस तरह से करा हुआ है, टी से एक स्टेप पीछे जाओगे एस, एच से एक स्टेप पीछे जाओगे जी, इस तरह से दिया हुआ है। वैसे ही हमें भी करना था। अगर एन ई डी की बात करेंगे, डी से एक स्टेप पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी, यानी कि लास्ट में सी आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। इस तरह से आप कवर कर सकते थे इसको। आगे चलते हैं, यू टी एस का रिलेशनशिप ई डी एस सी से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एस टी यू सीक्वेंस है, सी डी ई सीक्वेंस है, यू वी डब्ल्यू सीक्वेंस है, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस आने चाहिए वाई डब्ल्यू एक्स। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास यू वी डब्ल्यू लास्ट से रिवर्स में चल रहा है ना, लास्ट से सीधा पैटर्न चल रहा है ना। यहाँ पे एक्स डब्ल्यू ये तो हो नहीं सकता, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो एक्स ये तो हो नहीं रहा, डब्ल्यू एक्स वाई ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी वाला। ये सीक्वेंस ही फॉलो कर रहा है ना, ये देखो 23 24 25, मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। पाँचवें नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, 23 नंबर पे है, 22 नंबर, फिर 21 नंबर, इस तरह से चल रहा है। यहाँ पर एक्स 24 नंबर पे है, वाई 23 नंबर पे है, वाई 25 नंबर पे आ गया था, वो तो गलत हो गया था। इसकी बात करेंगे डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, एक्स 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है, यू जो 21 नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। यहाँ पर ऑप्शंस में कोई गड़बड़ी हो गई मुझे लग रहा है, क्योंकि एक एक स्टेप कम करना था। ये 24वें नंबर पे है, ये 23वें नंबर पे, तो यहाँ पर वी आना चाहिए था। अगर एक्स डब्ल्यू वी होता हमारा आंसर ठीक हो जाता ना, क्योंकि हमें बिल्कुल सीक्वेंस में चलना था। या फिर ओ पी क्यू होता हम बोल सकते ठीक है, तो ये सीक्वेंस कुछ बन नहीं रही। एक्स डब्ल्यू वी होता हम बोलते बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वी आ जाता तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाता। यू एस पी एल का रिलेशनशिप एन आर यू डब्ल्यू से दिया हुआ है, एल जे जी सी का रिलेशनशिप के साथ हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे फर्स्ट का और लास्ट का रिलेशनशिप, देखो प्लस टू किया हुआ है, एस का यू पे गए प्लस टू किया हुआ है, पी से आर पे जाओ क्यू आर प्लस टू किया हुआ है, एल से प्लस टू करोगे ये 12वें नंबर पे आता है, प्लस टू करोगे तो 14 नंबर पे एन आता है। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके लास्ट में एन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्च की बात करेंगे, फ्रेश वाटर है तो किसका रिलेशनशिप सॉल्ट वाटर से होगा। ये जो है एक फ्रेश वाटर की फिश है ना, जिसे इंडिया में रेन फिश रानी फिश भी कहा जाता है। उसी तरीके से अगर रानी फिश या पर्च की बात करेंगे, ये फ्रेश वाटर में रहती है, तो क्या है जो सॉल्ट वाटर में रहता है, कोल्ड एक तरह की फिश है जो सॉल्ट वाटर में रहती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जीके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको इतना समझना होगा, यहाँ पे वो समझ आएगा फिर कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं, बी ई का रिलेशनशिप जी जे के साथ है। देखो बी है सेकेंड नंबर पे, जी है आपके पास 7th नंबर पे, प्लस 5 किया हुआ है, ए 5th नंबर पे, जे 10th नंबर पे, प्लस 5 वाला पैटर्न चल रहा है। एच में 5 ऐड कर लो, एच तो 8 नंबर पे आता है, 5 ऐड कर लो 13, और 13 नंबर में क्या आता है एम, तो एम से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पहले वाली वीडियो देख लो रीजनिंग वाली। लीप का रिलेशनशिप ओ वी जेड के साथ है, ये कैसे हो सकता है। एल में 2 स्टेप आगे जाओ ओ आ जाएगा, ई अच्छा ये रिवर्स चल रहा है, एल का रिवर्स होता है ओ, ई का रिवर्स होता है वी, ए का रिवर्स जेड, पी का रिवर्स के, है ना। वैसे सी का रिवर्स एक्स होता है, तो एक्स से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ई का रिवर्स वी होता है, एक ही ऑप्शन बचा वो करेक्ट हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। इतना आपको समझ आ गया कि यहाँ पे किस तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं ओली बोर्ड की तरफ से भी जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल लॉन्च करा गया, फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा गया है। फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, और ओली बोर्ड की तरफ से इनकी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, फ्री है, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे चलते से बाकी क्वेश्चंस कवर करते हैं, आप थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे। कर्ड का रिलेशनशिप मिल्क के साथ ये हुआ है, जैसे दूध से दही बनता है, तो क्या चीज़ से शूज़ बनते होंगे, लेदर से शूज़ बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए डी का रिलेशनशिप एन क्यू के साथ है, ई एच का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ए और एन, आप बोल सकते हो ए फर्स्ट नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है, प्लस 13 किया हुआ है, डी 4th नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर आता है, प्लस 13 किया हुआ, तो पैटर्न हमें समझ आ गया। तो वही पैटर्न फॉलो करना था, ई में प्लस 3 ऐड कर लो, ई 5th नंबर पे आता 13 ऐड करो 18, 18th नंबर पे आर आता है, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता था। एच 8th नंबर पे आता है 13 ऐड करो 21 आ जाएगा, 21 नंबर पे यू आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बी डी जी जे का रिलेशनशिप इसके साथ है, तो वो कैसे आ रहा होगा। देखो बी 2nd नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, डी 4th नंबर पे आता है, क्यू 17th नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा प्लस 13 वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ए की बात करेंगे, ए 1st नंबर पे आता है, 13 ऐड करो 14 आ जाएगा, 14 नंबर पे एन आता है। एफ की बात करेंगे, 6th नंबर पे आता है,
39 करोड़ 19 और 19 नंबर पे एस आता है, एन और एस से यहाँ से ठीक होना चाहिए था। आई की बात करेंगे 9th नंबर पे आता है 39 करोड़ 22 आ जाएगा, 22 नंबर पे वी आता है। एम 13 नंबर पे आता है, उसमें आप 13 और ऐड करो 26, 26 नंबर पे जेड आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सार्क का रिलेशनशिप नेपाल के साथ दिया हुआ है। देखिए सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल में, तो इंटरपोल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस में, वे आपसे पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मलेरिया का रिलेशनशिप मॉस्किटो से दिया हुआ, तो प्लेग का रिलेशनशिप किस साथ हो जाएगा। देखो मलेरिया के, मलेरिया क्या है, मॉस्किटो के कारण जो बीमारी होती है वो मलेरिया होती है, तो किसके कारण जो बीमारी वो प्लेग होती है, रैट के कारण एक बीमारी होती है उसको प्लेग कहा जाता है, इस तरीके से पूछा गया था। आगे चलते हैं, दिल की कोई प्रॉब्लम होगी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, स्किन की प्रॉब्लम होगी तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाओगे ना, तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनी के लिए तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना, तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हो गए, स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन का रिलेशनशिप एफ ई के साथ है, सिल्वर का रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा। आपको पता है आयरन का सिंबल होता है एफ ई, तो सिल्वर का क्या होता है ए जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सोडियम क्लोरिन और ये पोटेशियम वगैरह हमारे पास आ गया। साइटोलॉजी का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, अगर जियोलॉजी का रॉक के साथ है तो साइटोलॉजी किसके साथ होगा, रॉक की स्टडी जियोलॉजी होगी, किसकी स्टडी साइटोलॉजी होती है, सेल्स की स्टडी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, अगर देखो हर्ट का रिलेशनशिप काऊ के साथ है तो डॉल्फिन का रिलेशनशिप किस, काऊ के ग्रुप को हर्ट कहते हैं, डॉल्फिन के ग्रुप को पॉड्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉग का रिलेशन कैनल के साथ है, डॉग को कैनल में रखा जाता है, बर्ड्स को कहाँ रखा जाता है, एवियरी में रखा जाता है ना, ए वी ए आई आर, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी ना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एसी का रिलेशनशिप अल्टरनेटिंग करंट के साथ दिया हुआ है, डीसी का क्या हो जाएगा, एसी की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, डीसी की फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। प्रोटेक्टर का रिलेशनशिप एंगल के साथ दिया हुआ है, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इतना काम जरूर कर देना, और पहली बार चैनल पर विजिट करो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। प्रोटेक्टर का रिलेशनशिप एंगल के साथ दिया हुआ है, तो प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर करते हो, रूलर जो स्केल होता था उससे आपका लेंथ मेजर करते हो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंटागन का रिलेशनशिप 5 के साथ है, किसका रिलेशनशिप 9 के साथ होगा, पेंटागन क्या होता है, 5 साइड वाली फिगर, तो क्या फिगर होती है 9 साइड होती है, वो नोनागन होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, डॉग के काट कर रैबीज होता है तो मॉस्किटो किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका जो है वो गोल्ड के लिए फेमस है, तो मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है, मध्य प्रदेश डायमंड के लिए, डायमंड स्टेट भी कहा जाता है इंडिया का, मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश को जो इंडिया का डायमंड स्टेट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शार्क एक तरह की फिश है, तो लेवेंडर क्या है, अभी हाल में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, लेवेंडर का बड़ा नाम भी चल रहा है, इसकी खेती की बड़ी बातचीत भी कर जा रही है, पर्पल करके जो होते हैं आपने ज़रूर न्यूज़ में सुना होगा, तो शार्क अगर फिश है तो लेवेंडर क्या है, एक तरह के श्रब्स हैं, एवरग्रीन श्रब्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल का रिलेशनशिप ब्लड के साथ है, क्योंकि दिल जो है जनरली ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो लंग्स का रिलेशनशिप किस साथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने का काम करता है, प्योरीफाई करने का काम करता है। तो भाई ये हमारा YouTube चैनल, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर विजिट कर सकते हो jklatestinfo.com पे, आपको कई सारे क्विज मिलेंगे, कई सारे MCQ मिलेंगे, वो भी आपके काम आने वाले, फ्री सब कुछ है, आप जाके विजिट कर सकते हो। आई का रिलेशनशिप मायोपिया के साथ है, तो टीथ का किस साथ हो जाएगा। देखो मायोपिया क्या है, एक आंख को लेकर एक बीमारी होती है, वैसे टीथ को लेकर एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, इसका आंसर जो करेक्ट जो आंसर आने वाला है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कॉलेज का रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ है, तो हॉस्पिटल का रिलेशनशिप किस साथ हो जाएगा। कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं, अब ये मत बोलना डॉक्टर भी होते हैं, मेडिसिन नर्स भी होते हैं, मैंने ये नहीं बोला कॉलेज में प्रोफेसर है, कॉलेज में टीचर है, बोला कॉलेज में पढ़ने स्टूडेंट जाता है, हॉस्पिटल में इलाज कराने पेशेंट जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ का रिलेशनशिप नॉर्थ वेस्ट के साथ है, तो वेस्ट का किसके साथ हो जाएगा। आपको तो डायरेक्शन इस तरह से होती हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं ईस्ट, है ना, ऐसे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कहा गया है साउथ को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, साउथ को क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट, है ना, साउथ को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अगर साउथ को नॉर्थ वेस्ट कहेंगे तो आपको तो वैसे नॉर्थ वेस्ट तो ये वाली साइड होती है, इसके अपोजिट में साउथ ईस्ट होती है, तो हमारे पास अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये हमारे पास साउथ ईस्ट हो जाएगा, है ना। नॉर्थ वेस्ट के जब आप राइट साइड जाए तो साउथ ईस्ट आता है, ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, इसके जब आप राइट साइड जाओगे तो क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट ही तो बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से बनाना इसको, सब कुछ अपने आप आपको समझ आ जाएगा। पीकॉक का रिलेशनशिप इंडिया के साथ है, इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक, तो बियर कहाँ का नेशनल एनिमल है, रशिया का ब्राउन बियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्लो का रिलेशनशिप रिवर के साथ है, स्टैगनेंट का देखो नदी का पानी फ्लो करता है तो किसका पानी रुका रहता है, पूल का पानी एक जगह रुका रहता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने का काम करता है, स्कल्प्टर स्टैचू बनाने का काम करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर का रिलेशनशिप दिया हुआ है, देखो इसके साथ क्या किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है, एन यू को उल्टा कर दिया, एम बी को उल्टा कर दिया, आर ई को, यहाँ पे भी ऐसे करना था, एच जी पहले कर लो फिर एस ओ पहले कर लो, एच जी ओ एस टी कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो सिमेंटिक एनालॉजी वाला टॉपिक आपको खत्म हो जाता है। लास्ट में किसी स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये पता नहीं कब का स्क्रीनशॉट है, 9.94 के सब्सक्राइबर थे और स्टूडेंट ने, वो स्टूडेंट है वो तब से हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, 9.94 के सब्सक्राइबर थे, तब डायरेक्शन सेंस की एंड गेम चल रही थी क्लास 4 के टाइम पे, और आज आपको तो 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं आपकी वजह से। तो वो एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट सेंड करा था तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी, एक स्टूडेंट हमारे टाइम से, कितने पुराने टाइम से हमारे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर आप में से भी कोई है ऐसा जो काफ़ी स्टैटिक से जुड़ा हुआ है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड, कुछ भी अच्छा लगा कुछ भी बेकार लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।